जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये जो वर्ड है बायो एसे, इसका मीनिंग जो है वो क्या होता है। जब हम पढ़ाई करते हैं तो बहुत बार ये वर्ड जो है वो केमिस्ट्री में, एनवायरमेंटल साइंस में, तो बहुत बार बॉटनी में तो वर्ड आता है पर मीनिंग बच्चे समझ नहीं पाते। तो बायो एसे का मीनिंग होता है, बायो का मीनिंग होता है दोस्तों लिविंग, एंड एसे का मीनिंग होता है टेस्ट। तो लिविंग और टेस्ट के बीच में क्या संबंध है ये देखते हैं। तो इसका मीनिंग देखते हैं क्या है। तो डिटर्मिनिंग द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट यानी होता है शारीरिक प्रभाव, यानी शरीर पे या किसी ऑर्गन पे या किसी टिश्यू पे, हमारे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके टिश्यू पे, ऑर्गन पे या फिर पूरे बॉडी पे, उसे ही हम जो शरीर पे जो प्रभाव होता है उसे हम फिजियोलॉजिकल जो है वो इफेक्ट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस। अब कोई सब्सटेंस है सच एज अ ड्रग, जनरली हम ड्रग लेते हैं अगर कोई सब्सटेंस है। अब ये सब्सटेंस की, इस ड्रग्स की पोटेंसी क्या है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, और उस पोटेंसी और उस कॉन्सेंट्रेशन वाला जो सब्सटेंस है यानी ड्रग है उसका किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पूरे बॉडी पे या किसी टिश्यू पे या किसी ऑर्गन पे क्या इफेक्ट होता है, ये डिटरमाइन करना ही होता है दोस्तों बायो एसे। हम कहते हैं डिटरमाइन द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अ सब्सटेंस सच एज अ ड्रग ऑन टिश्यू, ऑर्गन और लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, उसके टिश्यू पे या इसके ऑर्गन्स पे किसी सब्सटेंस का, और सब्सटेंस की पोटेंसी क्या है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, और उस पोटेंसी कॉन्सेंट्रेशन का किसी टिश्यू पे, ऑर्गन पे या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फिजियोलॉजिकल क्या इफेक्ट हो रहा है वो डिटरमाइन करना ही दोस्तों बायो एसे होता है।